ऑलराइट दोस्तों, चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5। ये जो कलर है हमारे पास ब्लू कलर में है। सॉरी फॉर द गाइस नॉइजेस इशू। स्पेसिफिकेशन की बात किया जाए तो इसमें आपको फुल HD प्लस जो कि 2640x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक डायनेमिक AMOLED 2x इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले मिलता है। तो चलिए उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं। इसमें आपको मिलता है एक C2C केबल, जो कि इसमें आपको 45 वाट तक चार्जर सपोर्ट मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि इस प्राइस में एटलीस्ट 67 वाट क्या 80 वाट सपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन इस बार सैमसंग ने कुछ भी चार्जिंग स्पीड का अपडेट नहीं किया है दूसरे ब्रांड की तरह। तो कोई ब्रांड नहीं, चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है हमारा, देख सकते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा है, स्लिम लाइट वेट। और इसमें इस बार फ्लिप में डिस्प्ले जो है देख सकते हैं बहुत ही बड़ा डिस्प्ले है, मतलब आपको बार बार फ्लिप को ओपन करना नहीं पड़ेगा, सारा चीज़ आप फ्लिप बंद करके भी यूज कर सकते हैं। और मुझे जो बिल्ड क्वालिटी में जो अच्छा लगा पर्सनली, इसमें आपको मेटल फ्रेम बॉडी मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है ड्यूरेबल के लिए। और ये जो कैमरा सेटअप तो बहुत ही बढ़िया दिखने में लग रहा है। तो चलिए उसको ऑन करते हैं, बूट कर लेते हैं इसको। तो अभी देख सकते हैं फ़ोन कम्प्लीटली हमने सेटअप कर लिया है। तो देख सकते हैं डिस्प्ले का ब्राइटनेस, देख सकते हैं जो बहुत ही बढ़िया ब्राइटनेस डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो कि ऊपर डिस्प्ले मिलता है 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि 306 PPI कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन मिलेगा। 3.36 GHz क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर में बेस्ड है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। DDR5X का रैम सपोर्ट मिलता है इसमें, 256GB 512GB दो वेरिएंट में अवेलेबल है। UFS 4.0 स्टोरेज है, जो कि रीड राइट स्पीड बहुत ही फास्ट मिलेगा इसमें। और इसमें 8GB रैम और 8GB रैम इसमें आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं, देख सकते हैं 8GB रैम एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। 8GB से 3.7GB रैम अवेलेबल है, मतलब कोई भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, आप जो चाहें तो उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी सिम मैंने जिसने देखा है, सिम एक आप फिजिकल सिम और एक तो ई सिम का सपोर्ट इसमें मिलता है। सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव बात किया जाए तो इसमें आपको एंड्रॉयड 13 मिलता है ऑनबोर्ड, उसके साथ साथ One UI 5.1.1 है। रियर कैमरा डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 12 MP वाइड कैमरा विथ OIS के साथ, और एक 12 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि आप उसमें आप सेल्फी ले सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 4K 60fps तक। बाकी ओपन करने के बाद जो फ्रंट कैमरा मिलता है, भीतर अंदर का जो फ्रंट कैमरा है वो है 10 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। बाकी कनेक्टिविटी की बात किया जाए तो इसमें आपको 5G का सारा बैंड का सपोर्ट मिलता है इंडिया में। वाईफाई 6 है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। वाईफाई 6 टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है, NFC है और GPS भी है। वाटर रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब आप अंडर वाटर आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है इसमें। और इसमें आपको स्टेरियो स्पीकर भी मिलता है विथ डॉल्बी एटमॉस के साथ, मतलब मल्टीमीडिया व्यूइंग एक्सपीरियंस, वीडियो गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इसमें बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बाकी डिस्प्ले देख सकते हैं, पंची कलर भी है बहुत अच्छा है। और इसमें जो वेट है इस फ़ोन का 187 ग्राम है, मतलब बहुत ही लाइट वेट है। उसके साथ साथ बैटरी भी इसमें आपको 3700mAh का बैटरी मिलता है, और इसमें 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है विथ रिवर्स पावर शेयर रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन इस पर मिलता है इस फोन में। बाकी इस बार देख सकते हैं कवर स्क्रीन में बहुत ही बढ़िया है, आप कॉल कर सकते हैं, बहुत सारा विजेट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब आपको पूरा ओपन करना नहीं पड़ेगा, आप वहाँ पे विदाउट ओपन के सारा आप एप्लीकेशन इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा इस बार फ्लिप में, सैमसंग ने बहुत ही बढ़िया इम्प्लीमेंट किया है। बाकी आपको क्या लगता है प्राइस क्या होना चाहिए, आप